होली का त्यौहार तो आता ही है, बहुत सारे कामों को अपने साथ में लेकर के, लेकिन अगर घर को सुंदर बनाए रखना है कामों के साथ साथ और ऑर्गेनाइज भी, तो उसके लिए कुछ टिप्स फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये पुराने ग्लव्स मैंने ले लिए, बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे आपके पास पुराने रखे हों या कोई जोड़ी ख़राब हो गई हो, उसके पड़े हुए हों, आप उनका यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स को क्लीन करने में। ये देखिए बड़ी बड़ी पत्तियाँ बहुत ही आसानी से आप दोनों हाथों से इस तरह से क्लीन कर सकती हैं बहुत अच्छी तरीके से। प्लांटर्स वगैरह भी आप इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, और इन ग्लव से फिर आपके बिल्कुल हाथ भी नहीं खराब होंगे और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा। इसके साथ आप किचन की भी क्लीनिंग में इनकी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि आपको अलग से कोई डस्टर या कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप बस थोड़े से लिक्विड की हेल्प से इनको क्लीन कर सकते हैं। और ये जो ड्रॉर्स होती हैं इनकी क्लीनिंग में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, किचन की तो ऑलमोस्ट सारी क्लीनिंग्स में हेल्पफुल होते हैं। तो ये देखिए दूसरी टिप है हमारी इन पॉलीथीन्स को लेकर के, ये पॉलीथीन्स भी बहुत परेशान करती हैं, तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइज़र बनाना बता रही हूँ, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले एक सुंदर सा आप कोई भी इस तरीके का एक बैग ले लीजिए, जो भी आप किसी का भी बना सकते हैं, एक थोड़ा ब्यूटीफुल लगे किचन में रखा हुआ है इसलिए मैंने ये ले लिया है, बाकी हर किसी से आप बना सकते हैं। फिर एक जो है बैंगल की हेल्प से मैंने दो सर्कल कट किए, एक तो बैंगल के साइज़ का और एक उससे छोटा, फिर छोटे वाले सर्कल को कट कर दिया और उस तरीके से छोटे छोटे से देखिए कट्स लगा लिए। इस तरह से बिल्कुल एंड टाइम पे भी आप ये सारे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और अब बस फेविबॉन्ड की हेल्प से ये जितने भी हमने कट्स लगाए हैं उनको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देना है। बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र है और मिनटों में तैयार हो जाता है। इस तरह से देखिए छोटी छोटी सी टिप्स के साथ में घर को ऑर्गेनाइज करके रखा जा सकता है बहुत इजीली। ये देखिए अंदर हो गए इसके सारे फोल्ड्स, और थोड़ी सी फिनिशिंग देने के लिए हम ये जो मैंने बैंगल ली थी जिसके साइज़ का लिया था, बस उसको इस तरह से लगा देंगे तो बिल्कुल एजेस इसके एकदम क्लीन हो जाएंगे। ये देखिए, और नीचे लगा दिया एक पेपर जिससे कि ये दोनों आपस में ना चिपके। अब इसमें सारी पॉलीथिन्स जितनी भी हैं आप उसमें भर दीजिए, बिल्कुल भी इधर उधर बिखरी हुई नज़र नहीं आएंगी, जितनी भी जब भी मिले आप इसमें भरते चले जाइए। और देखिए इसको मैंने हैंग किया है ये दरवाजे के पीछे, किचन के मेरा दरवाज़ा है ये, उसके पीछे ये इस तरह से कील लगा ली और उसके ऊपर ये इस तरह से हमने हैंग कर दिया, और बस ये हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी है। ये देखिए ईजिली आप इसमें से कितनी भी पॉलीथिन चाहें निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी फैलारा नहीं फैलेगा, और इसमें रखना भी बहुत आसान है, तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आराम से आप इसको तैयार कर सकते हैं, और दरवाजे के पीछे रखा हुआ बिल्कुल भी बुरा भी नहीं लग रहा। अब बढ़ते हैं एक DIY की तरफ। देखिए होली है तो कुछ रंगों का DIY तो बनता ही है ना, तो मेरे पास ये एक पुराना सा एक कहीं से गिफ्ट मिला था ये, तो उसका ये इस तरह से स्टैंड रखा हुआ था, इसमें ट्रांसपेरेंट बॉटल थी कांच की, तो उसको सबसे पहले मैंने स्प्रे पेंट से इसको पेंट कर लिया ब्लैक कलर के। स्प्रे पेंट बहुत आसान होता है करना और किसी भी चीज़ को एकदम नया लुक उससे मिल जाता है। तो ये देखिए एक मिनट में मैंने ये इसको कर लिया स्प्रे पेंट, और फिर ये जितनी भी बॉटल्स थी उनको कलर्ड वाटर से मैंने फिल करूँगी मैं, तो पानी ले लिया और कोई भी वाटर कलर या फिर कोई भी आपके पास खाने वाला रंग हो या होली के ही रंग हो आप उनको डाल सकते हैं ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में, बहुत ही सुंदर लगते हैं ये। छोटी छोटी बॉटल्स हैं तो मैंने सबको डाल लिया कलरफुल में, थोड़ा सा डाल दिया इसमें स्पार्कल, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक हमारा शो पीस कह लीजिए दिवाली होली के टाइम के लिए, बहुत ही सुंदर सा एक शोपीस तैयार हो गया। देखिए इसमें मैंने लगा दिए कुछ फ्लावर्स तो मेरे घर के ही हैं इसमें जो, और ये मेरा सिंक एरिया है, मैं यहाँ पर सब लगाऊंगी क्योंकि यही एरिया है, यहीं पर सब लोग आते हैं होली मिलने के लिए, होली मिलते हैं या होली खेलते हैं, ये मेरा आंगन है तो इसी को मैं कर दूंगी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज। तो मैंने लगा दिया ये एक स्पाइडर प्लांट, और ये भी मेरा एक DIY था पॉट, उसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है ये देखिए, और बस अब लगा दिया अपना ये DIY। बहुत ही सुंदर सा ये DIY लग रहा है जबकि 2 मिनट में मैंने इसको बनाया है। ये देखिए इसको मैंने रखूंगी एक ट्रे के ऊपर, ये देखिए इस तरह से मैंने इसको रख दिया, और ये जो फ्लावर्स है ना ये मेरे गार्डन के हैं, ये पिटोनिया के फ्लावर्स हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और उसके साथ रख दिए ये थोड़े से कलर होली वाले, और ये छोटा सा एक ऑर्डर तैयार हो गया मेरा होली के लिए, ये देखिए। इस तरह से देखिए छोटे छोटे से DIYs कर लीजिए, या फिर छोटी छोटी सी आप कुछ टिप्स अपना करके आप बना सकते हैं ना अपने घर को बिल्कुल ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक।
तो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पे आपको इसी तरीके की यूटिलिटी वीडियोस, जो घर को मेंटेन करने से लेकर के स्टिचिंग तक, सारी मैं वीडियोस इस पे अपलोड करती रहती हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग DIY या इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।